लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Conclude, ladies and gentlemen, I must thank you once again for the honor which you have bestowed on me and which I would like to share with every woman of India. नो नीला, आई इंसिस्ट ऑपरेशन तुम्ही को करना है, मैंने फैसला कर लिया है। लेकिन ऐसा उलझा हुआ ऑपरेशन और मैं? हाँ मैं जानता हूँ, यह केस काफी बिगड़ चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऑपरेशन तुम ही करो। लेकिन सर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप मुझ पर? तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, आई विल असिस्ट यू। ऑल राइट सर। All right? Yes, doctor. Pulse all right. Pressure fine. Knife. Scissor. Tractor. Mm-hmm.
forceps. Scissor. On bypass. Give more. Scissor. Scissor. Four zero. Another 40. Stop it. Close up now. उस मरीज को तुम बचा नहीं सकी है ना। मैं जानता था नीला, उस मरीज को कोई नहीं बचा सकता। इट वॉज अ लॉस्ट केस, इट वॉज अ होपलेस केस। तुम कहो कि इसके बावजूद मैंने तुमसे ऑपरेशन करने के लिए क्यों कहा? नीला, तुमने अब तक जितने ऑपरेशन किए सब में कामयाब रही, और मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि सर्जन कभी कभी जान तो बचा सकता है मगर हमेशा जिंदगी नहीं दे सकता। मेरी मिसाल ले लो नीला, आज मैं एक बहुत बड़ा कामयाब सर्जन समझा जाता हूं, लेकिन जब मैं तुम्हारी तरह नया नया सर्जन बना, तीन मरीज मेरे इन हाथों से मरे, अपनी मौत से नहीं, मेरी भूल से। लेकिन आज मैं तुम्हें देख रहा था, तुमने तो जरा भी गलती नहीं की। यू आर वर्किंग विद फुल कॉन्फिडेंस, और होना भी यही चाहिए नीला। सर्जन को पता रहे कि मरीज बचने वाला नहीं, फिर भी आखिरी दम तक उसे मरीज की जिंदगी के लिए लड़कर रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी माँ का ऑपरेशन एक ही डॉक्टर ने क्यों किया? क्योंकि कोई भी दूसरा डॉक्टर इससे अच्छा ऑपरेशन नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। ये झूठ नहीं बेटे, डॉक्टर सिर्फ मौत से लड़ सकता है, मरीज की तकदीर और भगवान की मर्जी नहीं बदल सकता। नहीं नहीं नहीं, तुम डॉक्टर नहीं, खूनी हो। एक बार नहीं, सौ बार, हजार बार कहूंगा, मेरी माँ का खून तुमने किया है, तुमने किया है, तुमने किया है, तुम खूनी हो। छोड़ दो मुझे, तुमने मेरी माँ का खून किया है। किसी को ये नहीं बताना नीला, ये दवा तुमने मुझे दी है, वरना लोग तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर भी यही कहूंगा कि अविनाश भैया का खून तुमने किया है। It's a cold-blooded, deliberate and preposterous murder. भाभी, भाभी, ओपी, भाभी, 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 झूठी लगी। आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, आज तो मैं मर भी सकती हूँ। लेकिन आज ऐसी क्या बात है? डॉक्टर चंद्र ने कहा है मैं बहुत बड़ी सर्जन बनने वाली हूँ, बहुत बड़ी। भैया, डॉक्टर चंद्रा ने कहा है। हाँ, मैं सुन चुका हूँ डॉक्टर चंद्रा ने क्या कहा है। अरे तुम तो डॉक्टर बनोगी सो बनोगी, हम ड्रामेटिस्ट बने हुए हैं, फिर भी कोई नहीं पूछता। ओहो, जरा ड्रामेटिस्ट को तो देखो, कल ड्रामेटिस्ट को भी देख लिया और ड्रामा भी सुन लिया। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद,
तुम्हें ड्रामा सुनने की समझ भी है? लोग मेरा ड्रामा सुनेंगे तो पागल उठेंगे। लोग तो बाद में पागल होंगे, मेरे भाग तो अभी से फूट गए हैं। अरे भाग चमकने से पहले फूटा ही करते हैं। बेवकूफ औरत, जब मेरा नाम चमकेगा तो तुम्हारी भी मशहूरी होगी। तुम मेरी मशहूरी छोड़ो और अपनी नौकरी पे जाओ। नौकरी? अरे नौकरी पर मैं जाऊँ? अकल की बात करो, आर्टिस्ट नौकरी पे जाएगा तो फिर क्या करोगे? ये घर संसार कैसे चलेगा? अरे घर वाला चलेगा तो संसार भी चलेगा और घर भी चलेगा। लेकिन भैया, तुम अगर नौकरी नहीं करोगे तो बहन को डॉक्टर कैसे बनाओगे? तुम्हें डॉक्टर बनाने का मैंने ठेका लिया हुआ क्या? ठीक है, मेरी डॉक्टरी तुम्हें इतनी चुभती है तो कल से मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। तुम शौक से लिखो अपनी शकुंतला, मेरी खातिर तुम्हें कोल्लू का बैल बनने की कोई जरूरत नहीं। देखा, बहन को नाराज कर दिया ना। अरे तुम सबके लिए दुनिया में एक ही मुजरिम है, कालिदास। सबकी आंख का कांटा कालिदास, सारे घर की मुसीबत कालिदास। अब कहाँ चल दिए? नौकरी करने। तुम्हें घर संसार चलाना है, उसे डॉक्टर बनना है। लोग कहते हैं कि शेक्सपियर ने बड़े कमाल के ड्रामे लिखे। अरे शेक्सपियर की बीवी और बहन मेरी और बीवी और बहन की तरह होती तो देखता, ड्रामे लिखता या कोल्लू का बैल बनता। As you can see, these are the X-ray plates of a patient with severe rheumatic heart disease, a condition far advanced for conservative medical therapy. This is treated by replacing with a Star Edward valve with the help of heart and lung machine. Sir, can two heart valves be replaced at the same time? Yes, they can be replaced. क्या हो रहा विनाश? क्या कर रहे हो तुम? जी कुछ नहीं सर। तुमने अभी अभी क्या छुपाया? जी रियली सर कुछ नहीं हो रहा। हम भी तो देखें वो कुछ नहीं क्या है। ये बनाने के लिए तुमने अविनाश से कहा था? नो सर। मैं आप सब लोगों को दिखाना चाहता हूं कि एक मेडिकल स्टूडेंट क्लास में क्या कर रहा है। अविनाश, आइंदा ऐसी हरकत करोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अविनाश, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे पिताजी मेरे दोस्त थे, इसीलिए तुमसे कहता हूं कि आदमी चाहे तो जिंदगी को एक मजाक, एक तमाशा बना सकता है और चाहे तो कविता भी, शाहकार भी। इससे ज्यादा मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता। Enough for today. सुनिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म करेंगे और अपने आप से ना इंसाफी। आपने मेरे साथ बड़ा इंसाफ किया है ना? कल तक मैं एक गरीब लड़की थी जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, आज मैं सारे कॉलेज के लिए एक लतीफा बन गई हूँ। अब जाइए, जख्मों पर नमक न छिड़किए। इन तस्वीरों की सच्चाई जानने के लिए आपको मेरे घर चलना होगा। कॉलेज की बदनामी मेरे लिए काफी नहीं है क्या? जी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये तस्वीरें आपकी नहीं किसी और की हैं। किसकी? जिसे मैंने कभी देखा नहीं लेकिन बरसों से जानता हूँ। जब ये पेंसिल या ब्रश अपने हाथ में पकड़ता हूँ तो एक हल्का सा धुंधला सा साया मेरी आंखों के सामने आ जाता, फिर वही साया एक तस्वीर के रूप में बदलने लगता। ये आज से नहीं, बरसों से हो रहा मेरे साथ। वो तस्वीरें मैं देख सकती हूँ? उन्हें देखने के लिए आपको मेरे घर चलना होगा। काश आप मुझ पे एतबार कर सकते। मुझे अपने आप पर पूरा एतबार है। चलिए चलिए आइए। मैंने झूठ कहा था, तस्वीरें मैंने आज नहीं बनाई, एक जिंदगी गई तब ये बनी। बैठिए ना। अरे नहीं नहीं, वहां नहीं, यहाँ बैठिए। सच पूछिए तो यही मेरी जिंदगी है। अब भी आप कह सकते हैं कि मैंने जानबूझकर आपका तमाशा बनाया या लतीफा। क्या कहूँ, मेरी तो अकल काम नहीं करती। दुनिया की हर चीज अकल के दायरे में नहीं आती, दायरे के बाहर कई और दायरे। चांद सूरज की बातें छोड़िए, इंसान अभी तक पूरी तरह इंसान के अंदर भी नहीं झांक सका। उसे यह भी नहीं मालूम पड़ा कि वो दुनिया में आता क्यों है, दुनिया से जाता क्यों है, मोहब्बत क्यों करता है, नफरत क्यों करता है। ऐसा लगता है आप पुनर्जन्म को मानते हैं। कल तक नहीं मानता था, आज आपको देखा तो ऐसा लगा जैसे ये तस्वीरें शायद पिछले जन्म की यादें।
मानना पड़ता है, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। अच्छा भैया। बोलो बहन। तुम पुनर्जन्म को मानते हो? पुनर्जन्म? अरे सिर्फ मानते ही नहीं हूँ बल्कि मनवाता भी हूँ। ये देखो मैंने पुनर्जन्म पर पूरा ड्रामा लिख डाला है, पढ़ो। नहीं बाबा, ये अगर इस जन्म में शुरू करूंगी तो अगले जन्म में जाकर खत्म होगा। अगले जन्म की बात छोड़ो, इस जन्म की फिक्र करो। क्या तुम्हें आज भी नौकरी पे नहीं जाना? मैंने नौकरी छोड़ दी है, मैं अब सिर्फ ड्रामे लिखा करूंगा। तो क्या मैं घर के चूल्हे तुम्हारे इस ड्रामों से जलाऊंगी? हाँ लक्ष्मी, मेरे ड्रामों से न सिर्फ तुम्हारे घर के चूल्हे भड़क उठेंगे बल्कि सारी दुनिया वालों के दिल भी भड़क उठेंगे। तुम भाभी इस तरह जबरदस्ती भैया को कितने दिन ऑफिस भेज सकती हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नीला, आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बैठो। बात क्या, आजकल तुम कॉलेज नहीं आ रही हो? सर कल डॉक्टर रहमान से मालूम हुआ कि कॉलेज के एग्जाम में तुम फर्स्ट आई हो, लेकिन तुम्हारे नंबर ऊंचे नहीं है। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। सारे कॉलेज को तुमसे उम्मीद है, खासकर मुझे। लेकिन लेकिन क्या? मैं समझ गया, वही पुरानी कहानी, पैसे की कमी है ना। हर जगह यही सवाल, देश को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, पहले तो कॉलेज बनाने के लिए रुपए नहीं, और कॉलेज बन भी गया तो फीस देने के लिए पैसे हैं कितनों के पास। मैं सारे देश की गुत्थी तो सुलझा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे लिए एक छोटा सा इंतजाम हो गया कहीं। मेरे पहचान वालों में एक आदमी है शेखर, खासा बिजनेसमैन है, उसके छोटे भाई के लिए एक ट्यूटर की जरूरत है, 200 रुपये माहवार। तुम मुझे सोच के जवाब दे देना। मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है सर, मुझे इतनी जरूरत है। सिर्फ इतना ख्याल रहे नीला कि तुम्हारी पढ़ाई में कोई बाधा ना पड़े। बस यही एक बाधा थी सर जो आपने दूर कर दी। मुझे मालूम नहीं आपके एहसानों का बदला मैं कैसे चुका सकूंगी। मैं जानता हूं, पहले तुम मेरी असिस्टेंट बनोगी और बाद में जब बुढ़ापे से मेरे हाथ कपने लगेंगे तब मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनूंगा। तो तुम देख रहे हो नीला, जिसे तुम एहसान समझ रही हो उसमें मेरा अपना लालच छुपा हुआ है। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। नहीं मां नहीं, मैं किसी लड़की से नहीं पढ़ूंगा। तो ये बात तो तुमको अपने भैया से कहनी चाहिए थी, जिसको सारे जहां में टीचर नहीं मिला लड़की मिली। वो मुझे क्या पढ़ाएगी और मैं क्या पढ़ूंगा, उसे कह दो वो चली जाए। आहिस्ता बोलो आहिस्ता बोलो, नीचे बैठी आवाज पहुंच जाएगी। देखो बेटा अब जब वो आई गई है तो 2-4 रोज पढ़ लो, थोड़े दिनों के बाद अपने भैया से कह देना कि उसको कुछ आता जाता नहीं। भैया से क्यों, मैं अभी जाके उसी से कहता हूं। अरे मोंटू नमस्ते, देखिए मैं वो हूँ जिसे आप पढ़ाने के लिए यहाँ आई। तो तुम ही हो मोंटू? जी हाँ। इससे पहले कि आप मुझे पढ़ाना और मैं आपसे पढ़ना शुरू कर दूं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप किस कीचड़ में हाथ डाल रही हैं। अपने टीचर को बैठने के लिए नहीं कहोगे? बैठिए मगर गौर से सुनिए और सुनने के बाद सोचिए मैं क्या हूं और आप मुझे क्या बना सकती हैं। इंटर के इम्तिहान में पहली बार मैं खुद नहीं बैठा, दूसरी बार मुझे दूसरों ने फेल कर दिया। कॉलेज में मेरे नंबर 100 में से 15 के ऊपर कभी नहीं गए। सच पूछिए तो मैं हर सब्जेक्ट में 0 हूं। देखो मोंटू, अगर मुझे कोई कानून के इम्तिहान में बिठा दे तो मुझे 0 से बढ़कर क्या मिलेगा, इसलिए कि कानून मेरा सब्जेक्ट नहीं। तुम्हें तो फिर भी 15 नंबर मिलते हैं। नहीं नहीं ये बात नहीं, ये साइंस है ना जो, ये फिजिक्स ये केमिस्ट्री ये कभी मेरे पले नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें साइंस भी पढ़ा सकती हूँ, इम्तिहान में पास भी करा सकती हूँ, लेकिन औरत से मर्द नहीं बन सकती। ये भी तो एक एतराज था ना मुझ पे? आपने सुन लिया था? बोलो पढ़ोगे मुझसे? जरूर पढ़ूंगा। कब से पढ़ाएंगे? जब से तुम चाहो। कल से? कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? Yes, I think we shift him in the good morning, sir. Are. Good morning. Oh, hello, Neela. Yes, sir. पढ़ाना शुरू कर दिया? जी।
कैसा तुम्हारा शागिर्द? वैसे तो बहुत तेज है लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता। सेम ओल्ड स्टोरी, उसका बड़ा भाई भी ऐसे ही था। हाँ, वो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बारे में जो उसमें आर्टिकल लिखा मैंने पढ़ा, अच्छा है, लेकिन उसमें दो एक बातें तुमसे डिस्कस करनी है। कब सर? आज शाम को? नहीं, आज शाम को नहीं, आज मुझे एक मरीज को देखने जाना। अरे हाँ, तुम उसे जानती हो? अविनाश, जिसने तुम्हारी तस्वीर बनाई थी। क्या बीमारी है उसको? बीमारी ऐसी है नीला की मैं माना नहीं चाहता। कल मिलूं। मैं तो 3 दिन से यहाँ हूँ, डॉक्टर साहब ने छोड़ रखा है बाबूजी की देखभाल करने के लिए। आप जरा चलिए, मैं अभी आता हूँ। आप इतने बीमार थे, किसी को बुला ही लिया होता। किसे? आप मुझे संदेशा भेज सकते थे। क्या संदेशा भेजता? यही ना कि मैं बीमार हूं, अकेला हूं, मेरा दुनिया में कोई नहीं, आओ और मुझसे हमदर्दी करो। मैंने कौन सा सुख दिया है लोगों को कि उनसे कहूं आओ और मेरा दुख बांटो। अविनाश बाबू, दुख होती ही है बांटने की चीज, उसे तमगे की तरह छाती पर लगाकर नुमाइश नहीं करनी चाहिए जिस तरह आप कर रहे हैं। मालूम है, लोग बीमार को देखने क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि उसे देखें और अपने आप को खुशकिस्मत समझें। वो उसकी तरह बीमार नहीं है, अकेले नहीं है, मजबूर नहीं है। इसलिए मुझे रहम मांगने वालों से भी नफरत है और रहम करने वालों से भी नफरत है। हरी सिंह, जल्दी जाओ, डॉक्टर साहब को बुलाना, कहना अविनाश बाबू बेहोश हो गए हैं। लीजिए, तब तक ये दवा पिला दीजिए। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता रंगों छंदों में समाएगी
रंगों छंदों में समाएगी किस तरह से इतनी सुंदरता सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए एक जान है तू जीने के लिए जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मधुबन की सुगंध है सांसों में बाहों में कमल की कोमलता किरणों का तेज है चेहरे पे किरणों का तेज है चेहरे पे हिरणों की है तुझ में चंचलता चंचलता आंचल का तेरे है तार बहुत कोई चाक जिगर सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें वाह कितना फर्क हो गया है कल और आज में क्या हुआ कल तक यहाँ की हवा भी बीमारी से बोझल थी और आज यह हवा में संगीत लहरा रहा है अब बरसात में आ गया लगता है बीमार अच्छा हो गया है तुम्हारी जैसी नर्स मिल जाए बीमार कैसे अच्छा ना हो भाई मैं भी अस्पताल में आ सकता हूँ अस्पताल आइए आइए कालिदास जी आइए आया हूँ क्या हाल है बीमारों का बहुत बुरा हाल है बहुत बुरा लगता तो नहीं अब क्या बीमारी है बीमारी से उठना भी तो एक बीमारी है जब बेहोश पड़े थे तो बड़े सुखी थे ना कॉलेज की फीस की फिक्र थी ना दाल रोटी की हम सोते थे लोग जागते थे तुम्हारा मतलब है कि नीला जागती थी और तुम सोते थे नीला अपने ही गर्ज से मेरी देखभाल कर रही थी किस गर्ज से कालिदास जी आप लेखक हैं इसलिए आप समझ सकते हैं जैसे एक नए आर्टिस्ट को अच्छा मॉडल चाहिए उसी तरह एक नए सर्जन को नया मुर्दा चाहिए नीला को इस बात का अफसोस हो रहा है कि एक अच्छा खासा मुर्दा उसके हाथों से निकल गया बच गया हो ना इसीलिए जिंदगी तुम्हारे लिए एक लतीफा है कभी मौका मिला नीला तो ये भी बतला दूंगा मेरे लिए मौत भी एक लतीफा है कालिदास जी ये बनिया का बही खाता लिए कहाँ घूम रहे हैं भाई बनिया के जीवन पर नाटक सोचा था तो जरा एटमॉस्फेयर के लिए उनके बही खाते पे लिख डाला लेटे लेटे तुम्हारा वक्त तो करता नहीं लो शिक्षा हो जाएगी नहीं नहीं अविनाश ऐसा काम कभी नहीं करना तुम अभी अभी बीमारी से उठे हो ऐसा ना हो भैया के नाटक पढ़ने के बाद फिर बीमार हो जाओ ये तारीफ हो रही है भैया की अरे तुम्हारे भैया के नाटक पढ़ने के लिए तो मुर्दे भी खड़े हो जाते हैं बीमार हो जाओ ये तो होता ही है कालिदास जी घर का जोगी जोगरा बाहर का जोगी सिद्ध ये बात हुई ना एक कलाकार ही कलाकार को पहचान सकता है ये मुर्दे चीरने वाले जाने क्या क्या आर्ट क्या चीज अच्छा भैया तुम जा रहे हो अरे जाऊंगा नहीं तो यहाँ क्या तंबू गाड़ के रहूंगा तुम लोगों की तरह बेकार नहीं हूँ मुझे अभी बहुत से नाटक लिखने हैं यहाँ चाय बन रही है चाय बन रही है मुझे मालूम था तुम मुझे बना लोगी आपका मतलब है हमारा मोंटू जी हाँ तो आप ही है मोंटू की टीचर जी तो आइए ना बैठिए खड़ी क्यों आइए आइए
आपको तो ये भी नहीं मालूम होगा कि मैं कौन हूं। मैं हूं मंटू का बड़ा भाई शेखर कपूर। जी हाँ शेखर कपूर। और आप? डॉक्टर चंद्रा मेरे बड़े भाई की तरह हैं। उन्होंने बड़ी तारीफ की है आपकी। भैया आपने बुलाया मुझे? तुम्हें किसने बुलाया? हाँ मैंने ही बुलाया। आओ, एक घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। मैं कहता हूं आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस गधे को इंसान बनाने के लिए। मुझे बहुत जल्दी है, मैं चलता हूं। नमस्ते। भैया तो ऐसे चिल्लाते हैं जैसे तीसरी जंग शुरू हो गई हो। वाह 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 वाह, क्या कविता लिखी है जवाब नहीं। ऐसे लगता है जैसे शकुंतला और मेघदूत वाला कालिदास सदियों के बाद दोबारा पैदा हुआ। हुआ ना? अरे यार तूने मिठाई खाई नहीं? कालिदास जी, आदमी मुंह से सिर्फ एक ही काम कर सकता है, या मिठाई खा सकता या वाह वाह कर सकता। वाह वाह करो। वाह 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 वाह, जो मिठास आपकी कविता में है वो इस मिठाई में कहा। सत्यानाश। किसका? अरे ये लड्डू तो मैं भगवान के प्रसाद के लिए लाई थी। सत्यानाश औरत, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि मेहमान भी एक तरह के भगवान होते हैं? खावे खाओ। लेकिन भैया तुम्हें मालूम है कल ये भगवान तुम्हारे नाटक के बारे में क्या कह रहा था? अरे ये तो मेरी तारीफें करता ही रहता है। क्या कह रहा था बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बताओ, अच्छी बात में शर्माना क्या? कह रहा था तुम्हारा नाटक नाटक नहीं, नाटक का मजाक है। जहाँ पर्दा गिरना चाहिए वहाँ पर्दा उठता है। कह रहा था सच तो ये है नाटक लिखने वाले के दिमाग पर खुद एक पर्दा पड़ा हुआ है। तुमने ये कहा था अविनाश? कहा तो था लेकिन वो। लेकिन वगैरह कुछ नहीं, लाओ ये लड्डू। लक्ष्मी उठाओ ये प्लेट, ये तुम्हारे भगवान का प्रसाद, ये नाटक मेहमान चरम कर रहा है, लेके जाओ यहाँ से। अरे अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपने मेहमान को यानी कि अपने भगवान को घर से निकाल दें? अरे ऐसे मेहमान तो भगवान भी बनकर आए ना, तो उनको भी निकाल दो। गेट आउट। नहीं जाते? अच्छा तो मैं ही जाता। अरे ये तो सच में नाराज हो गए। चलो अब तो जाना ही पड़ेगा। चलो भाभी आपको भी घुमा लाए। नहीं पापा मैं नहीं आ सकती, आज मंगल है। मंगल? अरे मंगल ही तो दिन है, मंगल मेरा सितारा है। मंगल तुम्हारा सितारा है? क्या मतलब? जानते हो नीला, मंगल वो सितारा है जो रोशनी के लिए ना चांद से भीख मांगता है ना सूरज से। वो खुद जलता है, रोशनी करता है, जब बुझ जाता है अपने पीछे राख नहीं छोड़ता। तुम कुछ भी कह लो मैं नहीं आऊंगी। चल नीला तुम चलो। लेकिन जाना कहाँ है? जहन्नम में। उफो भाभी मैं जरा जहन्नम से होके आती हूँ। चले चले रे धारा तो नदिया, चले चले रे धारा चंदा, चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आधी से तू पास चलता नहीं है, तू न चलेगा तो चलते ही राह है। चलेगा तो चलते ही राह है, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा। मैं जब भी यहाँ आता हूँ आकर घंटों बैठ जाता हूँ और देखता रहता हूँ इस नदी के बहते हुए पानी को,
ये चौड़ा पाट और दो किनारे जो हमेशा एक दूसरे से उतने ही दूर, ये मांझी, ये कश्ती और ये लहरों पे लहराता हुआ नाचता हुआ गीत, मैं जब भी इस गीत को सुनता हूं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा इनके साथ बहुत पुराना मेल है, जैसे इस धारा के साथ मुझे भी कहीं और जाना है, कहीं दूर जाना है, जैसे मुझे भी किसी नाव का इंतजार है, किसी मांझी की जरूरत है। नाव तो क्या बह जाए किनारा, बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जी नहीं साहब, वो शेखर साहब शेर खुद बेचते हैं और खुद ही खरीदते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छे। हेलो जी, कब आएंगे? अरे साहब यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, शेखर साहब कब आएंगे? जी हाँ, हाँ जी, आप बेशक आधे घंटे बाद फोन कीजिए। देखा बीरबल, अब तो ये ऑफिस इंक्वायरी ऑफिस बन गया, हर आदमी एक ही सवाल करता है कि शेखर साहब कब आएंगे, और मैं हर एक को एक ही जवाब देता हूं कि इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं। वाह 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 वाह, पहले तो कोई पान पे से चूना भी निकाल लेता था तो शेखर साहब जान लेने और जान देने पे उतर आते थे, लेकिन अब तो कोई दफ्तर घर बार दोनों को बगल में लपेट कर चलता बने तो भी उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगने वाले। अरे साहब, मैं इस कंपनी का हिस्सेदार, कंपनी मेरे सामने बर्बाद हो रही है लेकिन मैं इसे बचा नहीं सकता। आप कहते क्यों नहीं शेखर साहब से, आप कहते क्यों नहीं शेखर साहब से? कहा था, जानते हो क्या जवाब मिला? क्या कहने लगे, यहाँ तो ऐसे ही होगा, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता छोड़ के चले जाओ। आप चले क्यों नहीं जाते अपना हिस्सा लेकर? हिस्सा लेकर? अरे बीरबल, ये हिस्सा वो हिस्सा नहीं है कि जिसे आदमी लेकर चलता बने। ये तो एक दिन शेखर साहब ने मेहरबान होकर कह दिया, घनश्याम दास तुम मेरे एक आने के हिस्सेदार, बस अब जिस दिन मेहरबान नहीं होंगे साफ कह देंगे घनश्याम दास हिस्से का क्या हिस्सा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। आपको आने में थोड़ी देर हो गई, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, कोई खास बात? कोई टेलीफोन? जी टेलीफोन की घंटी तो इस तरह बजती रही जैसे फायर ब्रिगेड की घंटी बज रही। वो शेखर साहब, लोहे का भाव बहुत बढ़ता जा रहा है। बढ़ने दो जी, अल्मोनियम का भाव गिर रहा है, गिरने दो, लोग धड़ाधड़ शेयर बेच रहे हैं। वो बेच रहे हैं, तुम खरीद लो। खरीद ले शेखर साहब, मार्केट में कोहराम मचा हुआ है। यही तो मजा है इस मार्केट का, एक जगह मातम होता है और दूसरी जगह शादियाने बचते हैं। आपने बहुत दिनों से डाक नहीं देखी। एक दिन आऊंगा और सारी डाक देख जाऊंगा जी, इस वक्त मुझे जाना है, एक बहुत जरूरी काम है। इन चिट्ठियों पर दस्तखत तो करते जाइए आप। तुम दस्तखत भी नहीं कर सकते घनश्याम, कभी कभी मैं सोचता हूं मैंने तुम्हें पार्टनर क्यों बनाया। बीरबल। यस सर। मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया, हमारा साहब लट्टू हो गया, अब वो दूसरा बिजनेस करने लगा, दिल बेचने और दिल खरीदने का।
भाभी, ओ भाभी, क्या हुआ? भाभी, एक तो थे वो कालिदास जिनकी शकुंतला पढ़कर हर आदमी स्वर्ग में पहुंच जाता, और एक आपके ये हैं पतिदेव कालिदास जिनकी कविता पढ़कर हर आदमी नरक में पहुंच जाता। सुनिए क्या तुकबंदी की है, वाह वाह वाह। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, डूबी जब दिल की नैया सामने थे किनारे। ये भी कोई कविता, वाह वाह। जब लिखते थे शकुंतला कालिदास तब भी थे तुम्हारी तरह चंद बेकारे, जीत रहे थे कविता की बाजी कालिदास और यार लोग कहते थे हारे हारे। जब इस कालिदास का भी एक दिन चमका सितारा तो चिल्लाएंगे यही बेकारे गवारे और बेचारे, मैं धार मत छोड़ो हमें हमारे कालिदास, लकड़ी के साथ लोहे को भी लगा दो किनारे। वाह 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 कालिदास जी, कालिदास जी जा। अरे गंगा, शेखर बाबू के लिए चाय तैयार करो। आग आ चुकी है, धुआं पहुंचता ही होगा। मैं कमें नीला देवी, मैं मंजू को दो मिनट के लिए छीनने आया हूँ आपसे। मंजू लपक के जाना और चार गोलियां एस्ट्रो की ले आना, आज मेरे सर में बेहद दर्द हो रहा है। उफ, इस वक्त कैसे जा सकता हूं मैं? अबे एक मिनट की ही तो बात है, बस जाना है और आना है। चल चल चल, अब चल जल्दी चल। ये बिजनेस, ये कारोबार, आपको क्या बताऊं नीला देवी, कितनी मुसीबत है। मंटू की पढ़ाई कैसे चल रही है? इस साल पास हो जाएगा ना? ये मैं क्या जानूं? अगर आपको हर रोज इसी तरह सरदर्द होता रहा तो हम शेर बाजार के शेर सही, लेकिन दूसरे मैदान में बिल्कुल अन्नाड़ी निकले। एक बात पूछूं आपसे, क्या एस्ट्रो सचमुच बुरी चीज होती है? दिल के लिए और भी बुरी। आप तो डॉक्टर बनने वाली हैं नीला देवी, आपको तो दिल के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। मैं आपकी इस मुस्कान को अपने सवाल का जवाब समझ लूं? आप जो चाहे समझ सकते हैं, लेकिन हद के बाहर हर चीज बुरी होती है, एस्प्रो भी। ये लो भैया अपनी एस्प्रो, एक साथ पूरा डब्बा ही ले आया हूं, बार बार मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंटू तुम दिने दिन बहुत चालाक होते जा रहे हो, आओ पढ़ो बैठो। ये सब क्या हो रहा है? कमर्शियल आर्ट। ये सिगरेट, ये वनस्पति, ये चाय, दुनिया में और कुछ नहीं बचा था तस्वीर में उतारने के लिए। इन्हीं से तो वो चीज आती है जो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है और जिसके दम से दुनिया की सारी खूबसूरती है, पैसा। ये सब पैसे के लिए? जिंदा रहने के लिए पैसा ही तो चाहिए। और जो अंदर मर रहा है? वो तो कब का मर चुका है। अच्छा, ट्यूशन जल्दी खत्म हो गया आज? ये मेरे सवाल का जवाब तो ना हुआ। अगर जानना चाहती हो नीला तो सुनो, मैं तुम्हें दुनिया का एक राज बतलाता हूं। जिंदगी सवाल है और जवाब पैसा, बाकी सब झूठ है। ये आर्ट, ये शायरी, ये प्यार, ये सब झूठ होता अविनाश तो मैं यहां ना आती। छोड़ो इन बातों को, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे दूध कहाँ है? ओहो, ये लो। ए, ये बाबा का बेडरूम समझा है? सोना है तो जाके फुटपाथ पर सोओ, जहाँ आधा शहर सोता है। ए अविनाश उठो। ये क्या उठेगा कुंभकर्ण, जिसका नाम ही अविनाश हो, नाश ही तो करेगा। अविनाश भैया तुम्हारी चाय।
थैंक यू भाभी, थैंक यू वेरी मच। क्यों साहब, आप तो सो रहे थे। जी नहीं तो फिर मैंने जब बुलाया तो जवाब क्यों नहीं दिया? जवाब देने का फायदा? ओ, तो फायदे के लिए जवाब देते हो। देखिए ना, एक सवाल का जवाब देता तो अब दूसरा सवाल पूछते, दूसरे का जवाब देता तो तीसरा, और तीसरे के जवाब देते तो चौथा, यही ना। प्लीज गेट आउट। कानूनी तौर पे आप मुझे नहीं निकाल सकते। कानूनी तौर पर तो नहीं निकाल सकता, मगर काम के तौर पर निकाल सकता हूं। वैसे भी नहीं। क्यों? मेरी भाभी का भी इस घर पर उतना ही हक है जितना कि आपका। जब तक भाभी अपने मुंह से मुझे जाने के लिए नहीं कहेगी, मैं इस घर से नहीं जाने वाला। तो अगर मैं भाभी को भी जाने के लिए कह दूं तो? देखा भाभी क्या बोल रहे हैं। तुम दोनों को तो स्कूल में भर्ती हो जाना चाहिए। अरे इसको कौन से स्कूल में भर्ती करेंगे? रामायण पर सर रख के सोते हो? रामायण? हाँ, ये इस कालिदास की रामायण है। अच्छा कालिदास जी, एक बात बताइए, आदमी का दिमाग कहाँ होता है? आदमी का दिमाग तो यहाँ होता है, तुम्हारा मालूम नहीं कहाँ होता है? मालूम नहीं, इसलिए तो मैंने अपना सर आपके ड्रामों पे रखा था ताकि थोड़ा सा दिमाग मुझे भी मिल जाता। मजाक करते हो? गेट अप। हाँ, नीला ग्यारह तक नहीं जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि आपके ड्रामे में मेरा एक खत है। मेरे बढ़िया ड्रामे में तुम्हारा घटिया खत कैसे आ गया? हाँ, बढ़िया या घटिया ये तो पढ़ने के बाद पता चलेगा। अविनाश, तुम्हें क्या बताऊं मैं किस नट में पड़ी हूँ। घर के लोग मुझे एक बोझ समझते हैं जिसे ना तो वो उठा सकते हैं ना उतार के फेंक सकते हैं। मैं दिन रात अंगारों पे लौटती हूँ और सोचती हूँ कब वो दिन आएगा जब तुम इस कैद खाने से, इस पागल खाने से मुझे आज़ादी दिलवाओगे। तुमने कभी तो मुझसे प्यार किया था, प्यार की कस्में भी खाई थी। तुम्हें उन कस्मों की कसम अब देर ना करो वरना बहुत देर हो जाएगी। नीला, ओफो, फिर क्या हुआ? फिर से फसाद शुरू हो गया? फसाद तो अब शुरू होगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हें ये घर नरक नजर आता है, पागल खाना नजर आता है, मैं पागल नजर आता हूँ और तुम मेरे लिए बोझ हो जिसे ना मैं उठा सकता हूँ ना उतार कर फेंक सकता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? मैं कुछ नहीं कह रहा, तुम कह रही हो। मैं? हाँ, ये तुम्हारी लिखाई नहीं है क्या? अरे ये लिखाई तो मेरी है, लेकिन ये खत मैंने नहीं लिखा। नीला, ये कैसे हो सकता है? जब लिखाई तुम्हारी है तो खत तुम्हारा ही होना चाहिए। मजाक मत करो, कहाँ मिला तुम्हें ये? मुझे क्या मालूम, इससे पूछो। टेबल पे पड़ा था और लिफाफे पे मेरा नाम लिखा था, मैंने पढ़ लिया। मेरी टेबल पर? हाँ? और किसके टेबल पर? भैया यहाँ तो आना जरा। क्या है? ये देखो अविनाश की शरारत, कितनी मेहनत की है उसने अपने खत को मेरा खत बनाने के लिए। ये अविनाश जेल जाएगा एक ना एक दिन, जालसाजी के जुर्म में। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जेल जाना भी तो मर्दों का काम है। और फिर ये तो फर्क है कालिदास जी, एक कलाकार और क्लर्क में। मैंने कब कहा कि तुम क्लर्क हो? सच सच बताओ नीला, इस खत में तुम्हारा दिल निकाल के रखते हैं? तुम खुशकिस्मत हो अविनाश, इस तरह हंस सकते हो, हंसा सकते हो। एक और बात, इस खत को संभाल कर रखना, हो सकता है कभी मेरे खिलाफ गवाही देनी हो तो ये काम आएगा। क्या तुम समझते मैं इसे फाड़ दूंगी? मैं इसे हमेशा रखूंगी अपने पास। तो सचमुच तुम्हारा इरादा मुझे जेल भिजवाने का? नहीं नहीं मंटू, ये कैसे चलेगा। मैं एक दिन पढ़ा के जाती हूँ, तुम दूसरे दिन भूल जाते हो। इम्तिहान तुम्हें देना है, मुझे नहीं। मैं चले जाने के बाद भी तो तुम्हें कुछ पढ़ना चाहिए। पढ़ता तो हूँ मैं रोज, कल भी 3 घंटे बैठा था इन किताबों को लेके। 3 घंटे, इतनी मेहनत। लेकिन मैं पूछती हूँ इतनी मेहनत का नतीजा क्या निकला? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के पर तुमने तो जरा सा भी काम नहीं किया। अपनी कॉपी दो मुझे, मैं इस पर चार्ट बना देती हूँ। अब समझी, मैं चली जाती हूँ तो यही पढ़ाई करते हो तुम, यही है तुम्हारा हुआ है? मेरे ही सामने मेरे जवान बेटे की कान लटी जा रहे हैं। मुझे भी खुशी नहीं हो रही है, दुख हो रहा है। मगर ये तुम्हारी मजाल कैसे हुई? घरवाले जिस पर आज तक कोई फूंक नहीं सकते थे, बेगाने उस पर हाथ उठाने लगे हैं। अगर घरवाले अपने बेटे को बेटे की तरह पालते तो बेगानों को यह सजा न देनी पड़ती न उठानी पड़ती। तुम ये भूल रही हो कि तुम इस घर में नौकर हो, तुम्हें यहाँ से तनख्वाह मिलती है। तुम चुप हो जाओ और चले जाओ यहाँ से। आज के बाद तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे जितने पैसे बनते हैं वो तुम्हारे घर पहुँचा दिए जाएंगे। माँ, चुप हो जाओ, तुम अभी तक यहीं खड़े हो, चले जाओ।
मंटू मैं तुम्हारी कॉपी ले जा रही हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का चार्ट बनाकर डाक से भेज दूंगी। हो सकता है ये तुम्हारे परीक्षा में बहुत काम आए। और जाने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ मंटू। तुम नहीं जानते औरतों को इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए किस किस तरह से मरना पड़ता है। तुम उनके लिए आंसू ना बहा सको बेशक मत बहाओ, लेकिन उन पर पत्थर मत फेंको। लीला देवी, आज इतनी जल्दी जा रही हैं? जी हाँ, मेरा काम खत्म हो गया है। काम खत्म हो गया इतनी जल्दी? शेखर बाबू, आपको अपने भाई की पढ़ाई की बहुत फिक्र है ना? मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं, आप जो है फिक्र करने के लिए। खैर छोड़िए इन बातों को, आप घर जा रही ना, चलिए मैं अपनी गाड़ी में छोड़ दूँ। शेखर बाबू, मैं आपके भाई की बहुत मामूली सी टीचर हूँ। मुझे एकाएक बड़ी सी गाड़ी में घर तक पहुँचाने का शौक, क्यों? मांचो, आज तुम्हारी टीचर आई थी? आई थी। बहुत जल्द चली गई? हाँ। क्यों मांचो? जरूर तुमने कोई शरारत की होगी, कोई बहाना बनाया होगा। एक बात याद रखो मांचो, अगर इस साल तुम इम्तिहान में पास नहीं हुए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं होगी, समझे? मैंने कुछ नहीं किया है भैया, माने दीदी को घर में आने से मना कर दिया है। माने मना किया है? हाँ। देखिए नीलम, आज जो कुछ हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। यकीन मानिए अगर मैं घर होता तो ऐसी बात कभी ना होती। जी नहीं, आप अगर घर में होते भी तो ऐसी बात होके रहती। सोचिए तो, मोंटू की पढ़ाई का क्या होगा? उसका इम्तिहान नजदीक आ रहा है। आपको सिर्फ मोंटू की पढ़ाई की फिक्र हो तो उसे पढ़ने के लिए मेरे घर भी भेज सकते हैं। सुनिए, दरअसल मैं कुछ और ही फैसला करके आया था, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। शेखर बाबू, आपके पास बंगले हैं, गाड़ियां हैं, दौलत है, दफ्तर है, इसलिए ताजुब नहीं, कहने के लिए भी बहुत से बातें होंगी। आपके बातों के जवाब में कुछ बातें मैं भी कह सकती हूँ जो शायद आपको अच्छी ना लगे। इसमें परेशान होने की क्या बात है, पैसे के लिए तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन एक शर्त पे पैसे दूंगा, जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तो सूद समेत वापस ले लूंगा। पेशा चाहे मेरा कलाकार का हो लेकिन दिल बनिया का है। और जब पैसे लौटाने का वक्त आए ना तो बनिया के दिमाग का ऑपरेशन करके पैसे फीस में बराबर कर लेना। मजाक मजाक, मजाक के सिवा तुम लोग आता ही क्या है? ना मैं पैसे के बारे में सोच रही हूँ ना ही मुझे जरूरत है। तो इसलिए तो मुंह लटकाए बैठी। तुम्हें क्या मालूम बेइज्जती हो तो कैसा लगता है? लो हमें क्या मालूम, जैसे हमारी कभी बेइज्जती हुई नहीं। क्यों आज पुलाव बनाओगी कि आज भी बेइज्जती करूंगी? तुम्हारी माँ से सख्त गलती है। नीला को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, हजारों में एक, लाखों में एक। उसने नौकरी की थी सिर्फ जरूरत के लिए। अगर तुम समझ रहे हो कि मैं उसके पास फिर से जाऊं और ये कहूं कि जहां तक निकाल दिया वहां दोबारा काम करें, यह गलत बात। डॉक्टर, मैं इस बार नौकरी के बारे में बात करने नहीं आया। फिर मैं ये चाहता हूँ कि नीला इस बार घर में आए तो वापस ना जाए। यानी मैं नीला से शादी करना चाहता हूँ डॉक्टर। अरे वाह, बड़ी खुशी है सुन के, लेकिन तुम्हारी माँ ने उसे फिर से निकाल दिया तो? देखो शेखर, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं शादी कराने वाला पंडित नहीं। बेहतर यह है कि तुम उसके बड़े भाई से जाकर तुम अविनाश को जानते हो? जी नहीं। अविनाश को जानते तो अच्छा होता, क्योंकि वही। खैर मुझे मौका मिलेगा तो मैं खुद उससे बात करूंगा।
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। और चाय पीए? मुझे एक जरूरी काम से। नहीं नहीं, जरूरी काम क्या, चाय पर नीला की बातें करेंगे आपसे। अरे भाई, इस घर में दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है, आ जाओ। नीला देवी घर में है? जी बिल्कुल नहीं है। आएंगे तो सही। अरे भाई, आज तक तो आती है जाती है, कल की भगवान जाने। आप इंतजार करना चाहें तो मुझे कोई इतराज नहीं। जी नहीं शुक्रिया, मैं बाहर गाड़ी में इंतजार करूंगा। सुनिए, अगर आपको इंतजार करना है तो यहां भी कर सकते हैं, बैठिए। शुक्रिया। सच पूछिए तो मुझे नीला देवी से भी काम नहीं। तो फिर? मुझे उनके भाई साहब से मिलना था। अरे भाई, तो फिर मिलो, वक्त क्यों जाया कर रहे हो? आप ही हैं कालिदास जी? जी हाँ, मैं ही कालिदास जी। अब मैंने तो आपके कई नाटक देखे। अच्छा, तब तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं, क्योंकि मेरे नाटक तो आज तक मैंने भी नहीं देखे। खैर कोई बात नहीं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। बात यह है कालिदास जी कि मैं एक बहुत बड़ी उलझन लेके आया हूँ आपके पास। अरे भाई, उलझन को ज्यादा क्यों उलझाते हो, साफ साफ बात करो ना। बात यह है, मैं शादी की बात करने आया हूँ। शादी? अरे भाई, वो तो 2 साल हुए हो चुकी। 2 साल? हाँ हाँ, मेरी शादी को 2 साल हो चुके। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं आपकी नहीं अपनी शादी की बात करने आया था। ओ, अच्छा तो करो। नीला देवी मुझे जानती हैं, मेरा भाई उनसे पढ़ता भी रहा है, मुझे शेखर कहते हैं। शेखर? आगे चलो। मैं डॉक्टर चंद्रा से भी मिल चुका हूँ, उनसे पता चला है कि आप नीला के भाई और गार्डियन भी हैं। अरे भाई, इस घर में हर एक दूसरे का गार्डियन है, पर नीला तो अपनी गार्डियनशिप खुद ही करती है। अविनाश को जानते हो? नाम सुना है। अरे नाम वाम उसका खाक है, मगर ऐसी बातों में नीला उसी की सलाह लेती है, और मेरी सलाह लोगे ना तो उल्टा बेड़ा करके हो जाएगा। बात यह अविनाश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर मालूम नहीं बात कैसे शुरू करूं। मैंने तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट देखी है, और ये भी जानता हूं तुम किस तरह जिंदगी गुजार रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका था और फिर कह रहा हूं कि तुम्हारे लिए अपनी सेहत का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। अगर इस तरह चलते रहे तो आई एम अफ्रेड ज्यादा देर तक नहीं चल सकूंगे। रिपोर्ट में क्या लिखा है सर? सच बात तो यह है कि मैं अभी तक किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंचा। आप नतीजे पर पहुंचे नहीं, यह नतीजा बतलाना नहीं चाहते, शायद खुद भी मानना नहीं चाहते, और आप इसलिए मानना नहीं चाहते हैं क्योंकि मैं आपके बहुत नजदीक हूँ। Yes, of course. सर, मैं एक पेंटर हूँ। पेंटर के लिए सब रंग एक से होते हैं, हर मौसम एक से। वो लहलाते हुए बाहों की तस्वीरें भी उसी तरह बनाता है जिस तरह चलते हुए तपते हुए रेगिस्तानों की, उभरते हुए सूरज को भी कैनवस पर उतारता और डूबते हुए सूरज को भी। सर, मेरा सूरज डूबने में कितना वक्त बाकी है? अविनाश, तुम जानते हो तुम्हें क्या हुआ? कैंसर, ब्लड कैंसर। All right. मैंने तो अपनी तकदीर का फैसला पहले ही पढ़ लिया था, मैं लैब में रिपोर्ट पढ़ चुका हूँ। अविनाश, मेरा ख्याल है तुम आज ही हॉस्पिटल में दाखिल हो जाओ। नहीं सर, नहीं, मैं रेंग रेंग के मौत की तरफ नहीं जाऊंगा। किसी ने मुझसे एक बार कहा था, तुम जिंदगी को लतीफा समझते हो अविनाश। आप देखेंगे सर, मैं जिंदगी को ही नहीं मौत को भी लतीफा ही समझता हूँ। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर
चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम रोते रोते जमाने में आए मगर हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई फूल ऐसे भी हैं जो खिले जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई है परेशान नजर थक गए चार अगर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। वाह कल और आज में फिर कितना फर्क हो गया है। आज फिर क्या हुआ? उस दिन मैंने कहा था अविनाश यहाँ हवाओं में संगीत लहरा रहा है लेकिन आज ऐसा मालूम होता है जैसे संगीत रो रहा है चीख रहा है। आज हवा नहीं यहाँ आंधी चल रही है दर्द की। तुमने सुना भी नहीं मैंने क्या कहा? इस कोरी कैनवस को ही देखते जा रहे हो? इसमें मुझे अपनी जिंदगी नजर आ रही है बिल्कुल खाली और वीरान जिसमें कोई रंग नहीं मानी नहीं मकसद नहीं। दूर से तो ये एक जलूस सा नजर आता है नजदीक से देखता हूँ तो मुझे अपनी अर्थी नजर आती है जिसे मैं अपने कंधों पे उठाए जाने कहाँ से कहाँ लिए जा रहा हूँ। ये तो इंसान पे है अविनाश वो अपनी जिंदगी को क्या बनाए। मैं तो इतना जानती हूँ अपने आप से हमदर्दी करना खुद एक बीमारी है। आदमी दो तरह से जिंदगी को देख सकता है। तुम ये भी कह सकते हो ये गिलास आधा खाली है और ये भी कह सकते हो ये आधा भरा हुआ है। नीला मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तो मैंने सोचा तुम बहुत खूबसूरत हो लेकिन मुझे आज पता चला कि तुम्हारे अंदर एक और नीला है जो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। नीला एक मिनट के लिए आंखें बंद करो। क्यों? है कोई बात मैं तुम्हें एक चीज दिखलाना चाहता हूं। क्या
आंखें खोलो नीला। ये तो मेरी ही तस्वीर है। हाँ नीला, सिर्फ इस नीला ने झूठी शर्म का नकाब नहीं पहन रखा है। ये बोल नहीं सकती फिर भी कह रही है मुझे भी आजादी चाहिए अविनाश, निर्वाण मेरा भी हक है। अविनाश बात पूछो, सच बोलोगे? तुम्हें क्या चाहिए अविनाश? क्या चाहिए मतलब? मतलब तुम खूब समझते हो। मैं समझता हूँ नीला, तुम नहीं समझती हो। तुम्हें मालूम नहीं नीला आज मेरे दिल में कैसी आंधियां चल रही हैं, मेरे दिमाग में कैसे भूचाल उठ रहे हैं। एक आग की नदी है जिसमें मैं बह जा रहा हूं। ना जाने कौन से ज्वालामुखी के गर्भ से जन्म लिया है इस नदी ने। मैं सिर्फ इतना जानता हूं नीला, मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं। ये क्या नीला, आज मैंने तुम्हारी आंखें आंसू से भर दी? नहीं अविनाश, ये आंसू नहीं है, अब मैं भी सोचने लगी हूं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। मुझे माफ करना नीला, मुझे माफ करना, मैं अपना राज तुम्हें भी नहीं बतला सकता। तुम्हें भी नहीं। मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। आप ही हैं मिस्टर अविनाश? जी हाँ, मैं एक शेयर डीलर हूँ, शेखर कपूर मेरा नाम है। मैं आपसे एक डिजाइन बनवाने आया हूँ। जरूर आइए। पुराना डिजाइन साथ लाया हूँ, हर्ष बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए। शेखर बाबू, अगर एक बार मैं आपके दस्तखत देख लूं तो आपके बैंक से आपका सारा रुपया मैं खुद अपने हाथों से निकाल सकता हूँ। कमाल है, आप अपने ग्राहकों से भी मजाक कर लेते हैं। क्या करें, जब अपने आप से मजाक करते करते थक जाता हूँ तो कभी कभी दूसरों से भी मजाक कर लिया करता हूँ। असली बात बतलाइए। असली बात देखिए ना शेखर बाबू, आपका दफ्तर 10 मील पर है, इतनी बड़ी गाड़ी में बैठ कर, इतना पेट्रोल जलाकर, इतनी छोटी सी चीज के लिए आप इतनी दूर आए मेरे पास? मुझे नहीं मालूम था सारे शहर में मेरे नाम का ऐसा डंका बज रहा। अब बताइए शेखर बाबू, मजाक मैं कर रहा था आपसे या आप कर रहे थे मुझसे? मान गए साहब, हम शेयर बाजार वाले आप जैसे आर्टिस्टों का क्या मुकाबला कर सकते हैं? आप नीला को जानते हैं ना? सारा किस्सा समझ गया। आप मोंटो के बड़े भाई हैं जिसे नीला पढ़ाने जाया करती थी? जी हाँ, बात यह है विनाश बाबू कि मैं शेयर बाजार के दाव पेच खूब समझता हूँ, किसे बेचना चाहिए किसे खरीदना चाहिए। लेकिन जहां जिंदगी का सवाल पैदा हो जाता है वहां अपनी जरा भी नहीं चलती। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं नीला के भाई के पास जा चुका हूं और डॉक्टर चंद्रा के वहां से आ रहा हूं, दोनों जगह यही पता चला है कि आप चाहें तो ना बनने वाली बात बन सकती। अरे मुंटू आओ, आओ बैठो, कहो कैसे हो, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? मैंने पढ़ना छोड़ दिया है दीदी। क्यों? मैंने फैसला किया है, मैं पढ़ूंगा तो सिर्फ आपसे और किसी से नहीं। इतना बड़ा फैसला तुमने खुद किया है या किसी के कहने पर? घर में किसी को मालूम ही नहीं मैं यहाँ आया हूँ।
तुम मुझसे ही पढ़ना चाहते हो तो यहाँ आके भी पढ़ सकते हो, मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे आजकल मुझे ट्यूशन देने की इजाजत नहीं है। इजाजत किसकी? मुझे पता नहीं था मेरा किसी और पर इतना अधिकार हो गया। मैं नीला से बात करके देखूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए, अब इसकी तो जरूरत नहीं होगी आपको। अच्छा हुआ विनाश तुम रात को दर्द का दौरा पड़ गया, वरना शायद तुम नहीं आते। मैं तुमसे फिर से पूछता हूं, तुम्हें हॉस्पिटल में रहने में क्या इतराज है? इतना ही सर कि मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। अविनाश ये आत्महत्या है। आत्महत्या नहीं, आत्मज्ञान है सर। अगर जिंदगी एक दिया है तो मेरे दिए का तेल बड़ी तेजी से जल रहा है। मैं इस दिए की उम्र बढ़ाने के लिए उसकी रोशनी कम नहीं कर सकता, ये तो मैं ही जानता हूं सर। जिंदगी के आखिरी मोड़ पर कितना अंधेरा है सर, इतना तो बतला दीजिए, ये दिया इस तरह कब तक जल सकेगा? काश मैं तुम्हें जवाब दे सकता। जवाब मुझे मिल गया सर। ओहो, इस देश का क्या होगा? क्या हुआ? अरे इतने साल हो गए आजादी मिली, आज तक ना ही औरतों पर कंट्रोल हुआ है ना ही बिल्लियों पर कंट्रोल हुआ। हो तो एक मिनट बैठ जाओ। अरे मैं बैठ गया तो ऑल इंडिया रेडियो भी बैठ जाएगा। कालिदास जी नमस्ते। 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 अरे आज एकदम शरीफ कैसे बन गए? तबीयत तो ठीक है ना? ओहो, पहले बिल्ली फिर छींक, मालूम होता सारी दुनिया ने साजिश कर ली। साजिश? हाँ, मेरी आज की कामयाबी को नाकामयाब करने की। अच्छा, इसीलिए ये थर्ड पार्ट है। आज आपका रेडियो प्रोग्राम है ना? मुबारक हो। पहले छींकते हो फिर मुबारक देते हो, जरा प्रोग्राम सुनना, सारी उम्र के लिए हिचकी लग जाएगी। अच्छा ठीक ठीक। बहुत काम हो रहा? नहीं तो बैठो। गुस्सा उतरा नहीं तुम्हारा? कौन सा गुस्सा? नीला, मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूं। मेरी खुशकिस्मती? ये मजाक की बात नहीं नीला, मुझे तो तुम्हारा गुस्सा भी अच्छा लगता है। एक बात कहूं नीला, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझ पर तरस खाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मुझसे हमदर्दी जताते हैं, कभी कभी कोई ऐसा भी मिल जाता है जो मेरी झूठी तारीफ कर जाता, लेकिन मुझ पर बिगड़ने या नाराज होने का हक इस बड़ी दुनिया में सिर्फ तुम्हारा है। सिर्फ मेरा? हाँ नीला। नीला, आज मैं तुमसे कुछ और ही कहने आया हूं, सुनो। की बोलो। पहले तुम अपना काम कर लो, मैं इंतजार करता हूं। क्या देख रहे हो? मैं अपने आप को देख रहा हूं। ये शायरी है या फिलॉसफी? सच्चाई, तलवार की तरह नंगी, तेज और बेरहम सच्चाई, जिसे कल तक मैं खुद मानने के लिए तैयार नहीं था। और आज? आज इसलिए तो चलकर आया हूं तुम्हारे पास। बोलो अविनाश। आज मैं तुम्हें कुछ दिखलाने आया हूं नीला। नीला, ये नहीं हो सकता। ये है नीला,
डॉक्टर चंद्र भी ये मान चुके हैं मुझे ब्लड कैंसर है और तुम तो जानती हो ब्लड कैंसर का कोई इलाज नहीं पहले मैं भी तुम्हारी तरह नहीं मानना चाहता था इससे तुमने महसूस किया होगा कि उस दिन मेरा दिल बेलगाम घोड़ी की तरह भाग रहा था ये तो अच्छा हुआ रुक क्यों गया अविनाश मैं रुका नहीं मैं हार चुका हूं जिंदगी से भी हार गया हूं मौत से भी हार गया हूं नहीं अविनाश नहीं मैं तुम्हें इस तरह हारने नहीं दूंगी मौत से लड़ना यही मेरी शिक्षा है यही मेरी साधना है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी ये झूठ है नीला ये झूठ है तुम अच्छी तरह जानती हो कैंसर के कीड़ों के सामने ना मेरी जिंदगी की कोई कीमत है ना तुम्हारे आंसू की तुम ये समझ लो नीला आज एक दम तोड़ता हुआ भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांगने आया है बोलो भरोगी मेरी झोली क्या चाहिए तुम्हें तुम शेखर से प्यार कर लो अविनाश उसके पास दौलत है सेहत है उसके पास सब कुछ है जो एक पत्नी एक पति में ढूंढती है अविनाश तुम्हें क्या मालूम मैं क्या ढूंढ रही हूं तुम शमशान में बुझे चिताओं की रात में जिंदगी ढूंढ रही हो नीला अगर तुम मेरी बात मान जाओगी तो मैं समझूंगा मेरी जिंदगी तो बेकार गई लेकिन मेरी मौत नाकाम न गई मौत 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 तुम तो जानते हो अविनाश कैंसर के मरीज भी कई कई साल जिंदा रहते हैं शायद मैं भी रहूं तो मैं तुम्हें दूर से देखूंगा तुम्हारे घर में गूंजते हुए कह कह भी सुनूंगा चांद जैसे खूबसूरत तुम्हारे बच्चों के कह कह उस वक्त मेरी दुनिया के अंधेरे शायद कुछ कम हो जाए मेरी बातों का जवाब नहीं दोगी भिखारी खाली हाथ लौट जाएगा तुम्हारे दरवाजे से तुम भिखारी नहीं हो अविनाश मैं सारी दुनिया तुम्हारे पांव पे रख सकती हूँ हो गया वादा दे दिया वचन तुम क्यों मुझे वचन की कैद में बांधना चाहते हो मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहता हूँ नीला मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ एक लाश के साथ अपने आप को जिंदा कब्र में गाड़ देना कुर्बानी नहीं अंधकार है नीला अंधकार है ये अंधकार मुझे मंजूर है अविनाश लेकिन ये मुझे मंजूर नहीं कि तुम्हारा प्यार मेरे पांव की जंजीर बन जाए तुम्हारी कुर्बानी मेरे गले की फांसी मैं नहीं सह सकूंगी अविनाश मैं नहीं सह सकूंगी नहीं सह सकूंगी नहीं सह सकूंगी नीला तुम सह सकोगी नीला मेरी जिंदगी की हर सांस के लिए तुम्हें हर सांस मरना होगा नीला क्या मरने वाली भिखारी को भीख नहीं मिलेगी बोलो नीला मिलेगी मिलेगी नीला हाँ हाँ मिलेगी 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 तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा लेकिन चले जाओ चले जाओ यहाँ से हम थे जिनके सहारे वो हुए ना
कुछ जहां में दोस्ती है वहां है अपनी कम नसीबी हमको ना कुछ भी मिला है हमको ना कुछ भी मिला है हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे यूं तो दुनिया तन्हाई फिर भी डसेगी जो जिंदगी में कमी थी वो कमी तो रहेगी वो कमी तो रहेगी हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे डूबे जब दिल की नैया सामने थे किनारे हम थे जिनके सहारे क्या हुआ नीला तुम तो रो रही हो नहीं मैं सोच रही हूं क्या मैं ऐसे एक दोराहे पर आके खड़ी हो गई हूं जहां मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करना है फैसला कैसा फैसला मैं जिसके लिए मर सकती हूं भाभी वो मुझे जीने का हुक्म दे रहा है वो कहता है तुम्हें मेरे साथ मरना नहीं होगा नीला तुम्हें दूसरे के साथ जीना होगा हाँ मैं जीऊंगी भाभी मैं जीऊंगी नीला अविनाश ने पहली बार मुझसे दान मांगा है भाभी मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि दान मैं कर रही हूं या अविनाश कमाल है बहन की शादी और भाई कालिदास अभी तक नहीं पहुंचे अरे भाई मैं तो अपनी शादी पर भी नहीं पहुंचा था तो आपने शादी में राजपूतों की तरह अपनी तलवार भेज दी अरे भाई तलवार से तो मेरी शादी हुई है मैंने तो कलम भेजी थी और उसी कलम से मेरे भाग लिखे गए वाह वाह ऐसी टेक्निकल शादी तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी बात तुम्हारी शादी कब होगी मेरी शादी मीरबल अभी तक तुम्हें किसी पर लट्टू हुआ नहीं और जिस दिन लट्टू हो गया ना तो शादी में लड़की मिलेगी या नहीं मिलेगी मुझे कुछ पता नहीं ये एकानी की पार्टनरशिप से हाथ धोना पड़ेगा खाओ तुम्हारा हमसे ओ देखो कौन आ रहा है क्या बात है नीला तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा जैसे मेरे आने की उम्मीद नहीं थी तुम्हें नहीं, नहीं सर बल्कि मैं तो ये सोच रही थी आप अभी तक आए क्यों नहीं वेल लकी मैन कंग्रेचुलेशन क्या सोच रहे हो सोच रहा हूं अग्नि के गिर्द सात फेरे मांग में चुटकी भर सिंदूर और हाथों में चंद चूड़ियां इंसान के पांव में कैसी बेड़ियां डाल देती हैं अभी से ये मालूम होने लगा कि शादी एक बेड़ी है
एक खूबसूरत पेड़ी। अफसोस है कि आजकल गुलामों की मंडी नहीं लगती, वरना मैं यही कहता, मुझे नीला के हाथ बेदाम बेच दो। आप जैसा गुलाम भी आजकल कहां मिलते हैं? अजी गुलाम तो बहुत मिल जाते हैं सरकार, आप जैसे खरीदार कहां मिलते हैं? जिनकी आंखों में शराब नहीं शराबखाने भरे हों, जिनकी होंठों पे गुलाब नहीं गुलजार खिले हों, गर्दन में सुराहियों का सकम और कमर में वो लौज जैसे जमाने में होता है। नीला, अगर मैं शायर होता तो एक गजल कह देता तुम पर, और अगर पेंटर होता तो एक तस्वीर खींच देता तुम्हारी। अरे हाँ, लव से पेंटर पर एक पेंटर याद आ गया। नीला, हमारी शादी में सब आए लेकिन अविनाश नहीं आया। उसे बुलाया था किसी ने? मैं खुद गया था उसे बुलाने। अविनाश ने कहा था वो आएगा? वो घर पर नहीं था, इसलिए मैंने कार्ड के साथ चिट्ठी लिख के उसकी खिड़की में डाल दी। तो फिर कार्ड चारपाई के नीचे चला गया होगा, चारपाई बिल्कुल खिड़की के पास ही होती है। क्या सोच रहे हो वो? कुछ नहीं नीला, मैं तुम्हें देख रहा हूं। नीला, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। दे देना आप साथ तो मर जाते हम सभी के। क्या मैं इसका काबिल हूँ? दे देना आप साथ तो मर जाते हम सभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, तो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। इसे भी सच मान लूं? चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। आंखों में नम है जब तक देखेंगे
आप ही को अपनी जुबान से आपसे अपनी जुबान से आपसे अपनी जुबान से आपसे जज्बात कहेंगे तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे जो तुमको तो पसंद वही बात कहेंगे जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे पार हुआ वो रहा जो सफर में जो चलना होगा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा। कितनी खूबसूरत जगह है। आ? कुछ कहा? तुम कुछ सोच रही हो? सोच रही हूँ कितने दिन हो गए कॉलेज नहीं गई। चाकू छुरी के बिना दिल नहीं लगता या मुर्दों के लिए उदास हो गई? यही समझ लो। देखो नीला, मेरी तरफ से तुम जब चाहो कॉलेज जा सकती हो, मैं तुम्हारे रास्ते में कभी रुकावट नहीं बनूंगा। इसे भी। अच्छा बाबा खा लूंगा, लेकिन दूध नहीं पीऊंगा, चाय पीऊंगा। न चाय मिलेगी न सिगरेट। सुबह से तुम 3 कप चाय 5 सिगरेट पी चुके हो। आज 1 कप पीने दो, वादा करता हूँ कल से वादा खिलाफी नहीं। कल कल कल। अच्छा तुम्हारा ये कल कब आएगा? कल कल आएगा। रामदास साहब के लिए चाय लाओ। अच्छा आज जरा शाम को जल्दी लौट सकोगे? क्यों? सोच रही थी अविनाश को मिलाए जाके। तुम उसे पूछ के लो कि वो शादी में क्यों नहीं आया। भाई मैं ठहरा सीधा साधा बिजनेसमैन, शेयर बेचता हूँ और शेयर खरीदता हूँ। मुझे क्या पड़ी है तुम दोनों के जाती झगड़ों में पड़ूं। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। चलो चलो नाश्ता कर लो। नीला अगर तुम्हें जाना ही है तो मंटू को साथ ले जाना। मैं कैसे जाऊंगा, मेरा तो मैच है 5 बजे। तो क्या हुआ, मैच से पहले छोड़ा ना, मैच के बाद ले आना। अभी तक चाय नहीं लाया। रामदास अरे नीला तुम, हमने तो सुना था कि लोग शादी के बाद गली छोड़ते हैं, तुमने तो दुनिया ही छोड़ दी। मैच में तो देर है मुंटू, अंदर आओ और आके इनसे मिलो। इनकी तारीफ? पहले ये मुझसे पढ़ते थे, आजकल मेरे बॉडीगार्ड हैं। आगे चल के शाबाश शाबाश। अरे तुम्हें तो उम्मीद हो हिंदुस्तान की, हम तो डूबते हुए सितारे हैं, तुम उबरते हुए सूरज हो। थैंक यू मुंटू, तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मैं इनसे कह दूंगी मुझे घर तक छोड़ देंगे। अच्छा भाई साहब, आज मुझे मैच में जाना है लेकिन जल्दी मिलने आऊंगा आपसे। जरूर जरूर, जब जी मैं चले आना, ये दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। थैंक यू। अच्छा भाभी क्या तुम सचमुच चाहती हो मोंटू तुम्हें लेने ना है? क्यों, तुम्हें एतराज है मेरे घर जाने में? एतराज तो मुझे 7 फेरों पे था नीला, 4 कदम तो नहीं। तो फिर शादी में क्यों नहीं आए? मेरी तकदीर, तुम्हारा कार चारपाई के नीचे पड़ा रहा
और जब मैंने उसे देखा तो इतनी देर हो चुकी थी, जब वह दावत में आता तो शायद इसके बाद भी आ सकते थे। ये तो अच्छा ही हुआ कि नहीं आया। क्यों? तुम अपनी उलझनों को खुद सुलझा के यहाँ चली आई। खैर जाने दो, ये बताओ शेखर बाबू के साथ कैसे गुजर रही है? अच्छी तरह गुजर रही है। मैं तुम्हारी तरह झगड़ालू तो हूँ नहीं, इसीलिए मेरी सबके साथ निप जाती है। अच्छा, और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई? वो भी चल रही है। ची ची ची, घर की क्या हालत बना रखी है। जो जिंदगी की हालत है वही कमरे की। तुम क्या क्या संभालोगी, क्या क्या सुधारोगी? नहीं नीला, नहीं, आज मैं ये सब कुछ तुम्हें नहीं करने दूंगा। क्यों? आज मंगलवार है ना। अरे अरे शेखर बाबू, आप आइए आइए, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला? सूरज तो कब का डूब चुका है, आपको पता नहीं चला होगा। रात काफी हो चुकी है बाहर, शायद इसलिए आपने बत्ती नहीं जलाई। आइए चलिए। अच्छा हुआ शेखर बाबू, आपके आने से इस घर में रोशनी तो होगी। आपकी पत्नी जिद कर रही थी मैं उन्हें पहुंचाने चलूं, अब मालिक खुद आ गए, अब हमें टांगे तोड़ने की क्या जरूरत। लेकिन तुमने तो कहा था शाम को देर से लौटोगे। शाम को कहा था, रात को नहीं। अगर अभी तुम्हारे लिए जल्दी है नीला तो मैं फिर आता हूँ। नहीं नहीं शेखर बाबू, फिर नहीं, अभी। इनकी हुकूमत अब और हमसे बर्दाश्त नहीं होती। ये तो खुशकिस्मती है आपकी, ऐसा हाकिम तो किसी कलाकार को ही नसीब हो सकता है। मैं सोच रहा था आपकी शादी में ना आ सका, कम से कम एक तोहफा तो भेज देता आपको। मेरा मतलब है ये तस्वीरें यही अच्छी लगती हैं। मैं आपसे आपकी यादें छीनना नहीं चाहता। मैं चलूं। लीला तुम चल रही हो? जा रही हूं अभिनय। एक बात मैं कह सकता हूं आपसे, कभी कभी आप भी हमारे घर आ जाया कीजिए ना। नीला का इम्तिहान नजदीक आ रहा है, कम से कम जाने का वक्त तो बच जाएगा। तुमने मोंटू को नहीं कहा था आने के लिए? तुम क्या सचमुच ये समझते हो मुझे आने जाने के लिए किसी पहरेदार की जरूरत है? ये बात नहीं है नीला, मैंने सोचा शायद तुम अभी तक इंतजार कर रही थी, इसीलिए आने में देर हो गई। देखो नीला, मैं तुम्हारे अविनाश बाबू से दो बार मिल चुका हूं, लेकिन अभी तक ठीक तरह समझ नहीं पाया उन्हें। अविनाश को समझने में तुम्हें देर लगेगी, तुम तो अभी तक मुझे भी नहीं समझ पाए। सच। एक बात सुन लो शेखर, सुन भी लो और मान भी लो। तुम अविनाश को समझना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तुम खुद परेशान मत हो। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और मर्द की मौत आती है तो वो शादी करता है। ये सब अखबार में लिखा है? अखबार में नहीं, इतिहास में लिखा है। बादशाह जहांगीर ने एक प्याला शराब और एक सीख कबाब के लिए सारा हिंदुस्तान नूरजहां को बेच दिया। अरे अभी कल की ही बात है, आठवें एडवर्ड ने औरत के लिए राज छोड़ दिया, ताज छोड़ दिया। अरे बीरबल, औरत का जादू ऐसा सर पे चढ़ता है कि आदमी पागल हो जाता है, जैसे हमारा सांप पागल हो गया। हेलो, घनश्याम स्पीकिंग जी, अभी तक तो नहीं आए, कब आएंगे? मुझे एक मिनट, वो आ गए। गुड मॉर्निंग शेखर साहब, आपका टेलीफोन। जी बात की। हेलो, कही मलिक साहब। क्या कहा? भाव बहुत ज्यादा गिर गया। कितना? 25 लाख का नुकसान। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये धोखा है, फरेब है।
मैंने शेर आपके भरोसे खरीदे थे, आप ही जिम्मेदार हैं। लेकिन लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नहीं नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। याद रखिए मलिक साहब, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं मुकदमा करूंगा। आप चोर हैं, डकू हैं, परी भी हैं। हो गया सब सत्यानाश। चुप रहो घनश्याम। मैं आज तक चुप रहा इसलिए तो बात यहां तक पहुंच गई। मैं कहता रहा बेचिए बेचिए बेचिए, लेकिन आप कहते रहे खरीदो खरीदो और खरीदो। शेखर साहब, अब तो एक ही चीज खरीदनी बाकी रह गई है, इस दफ्तर के लिए एक बड़ा सा ताला। शट अप! मे आई कम इन सर? आओ नीला, आज मैं एक बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन कर रहा हूँ। पिछले 30 साल में इतना कॉम्प्लिकेटेड केस मेरे पास नहीं आया। मैं चाहता कुछ मुझे असिस्ट करो। मैं आपको असिस्ट? श्योर सर। तो फिर 4 बजे सर्जिकल वार्ड में आ जाना। 4 बजे? तो क्या बात है 4 बजे? कुछ नहीं सर, मैं पहुंच जाऊंगी 4 बजे। अच्छा, थैंक यू सर। हेलो शेखर। कहो नीला। शेखर शेखर, बात यह है आज डॉक्टर चंद्र एक बहुत जरूरी ऑपरेशन करने वाले हैं और आज मुझे पहली दफा चांस मिल रहा है उन्हें असिस्ट करने का। इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकोगी? नहीं नहीं शेखर, ये बात बिल्कुल नहीं है। मैं तो आना चाहती हूँ, लेकिन लेकिन मैं सोच रही हूँ आज इतना अच्छा चांस मिल रहा है, इसके बाद कब मिले क्या मालूम। तो एक बात सच सच बतलाना। बोलो, बताओगे? आज अगर मैं तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं गई, बुरा तो नहीं मानोगे? इसमें बुरा मानने की क्या बात है नीला, काम पहले करना चाहिए। मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम कितने अच्छे हो शेखर। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। क्या बात है? आपको डॉक्टर चंद्रा ने बुलाया है। आपने बुलाया सर? हाँ नीला, आज जिसका ऑपरेशन करने वाला था उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया है। इसका मतलब आज ऑपरेशन नहीं हो सकता? हाँ, यही कहने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था। अब जा सकती हूँ मैं? आज जा सकती हूँ। थैंक यू। हेलो जी। जी नहीं जी, वो अभी अभी बाहर गए। कहाँ गए हैं कुछ कह के नहीं गए। जी जी, उनका टेलीफोन आएगा तो मैं कह दूंगा कि आपको आपके भाई साहब के घर से ले लें। जी बहुत अच्छा। एक बात सुनिए, आप हैं कौन? भाभी जी नमस्ते। जी अरे बात भी करो क्या? क्या करते हो? खाता हूँ। आइए 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 ना, आइए आइए। देखिए आज नीला की वजह से आपके दर्शन तो हो गए। कैसे हैं आप लोग? तुम्हें कैसे लगते हैं? मुझे तो हंसते खेलते नजर आते हैं। बस वैसे ही है, तुम कैसे हो? अरे साहब, हमारा मत पूछिए, हम बिजनेस वाले हैं, मरने की भी फुर्सत नहीं मिलती। आप लोग तकदीर वाले हैं जो के हंस खेल लेते हैं। हाँ भाई, हमारे पास तकदीर है, तुम्हारे पास पैसा है, और आज तक भगवान पैसे वालों के सामने झुकता है। लीजिए। शुक्रिया, लेकिन कालिदास जी, पैसे के सामने वक्त नहीं झुकता, प्यार नहीं झुकता। नीला मैं चलता हूँ। मैं भी चलती हूँ। नहीं तुम बैठो, मेरी वजह से अपना मजाक क्यों खराब कर रही हो? नहीं, घर पे बहुत जरूरी काम है। अच्छा भैया, अभी नहीं। सो गए? नहीं, सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? सोच रहा था जिस तरह नदी के दो किनारे इतने नजदीक होने पर भी इतने दूर हो सकते हैं, उसी तरह तो दिल भी हो सकते हैं तो जीवन भी हो सकते हैं। तुमने कभी कोशिश की है नजदीक आने की? मैंने आज टेलीफोन क्यों किया था? एक मिनट बाद मैंने भी तुम्हें टेलीफोन किया था।
लेकिन तुम दफ्तर से जा चुके थे। एक मिनट बाद ना, तुम तो डॉक्टर हो नीला, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि एक मिनट में सब कुछ हो सकता है। मुझे तो आज मालूम हुआ है कि तुम्हें इस घर से ज्यादा अपने अस्पताल, पति से ज्यादा अपने मरीजों में दिलचस्पी है। दुनिया चाहे उलट पुलट हो जाए, तुम अपना काम एक मिनट के लिए भी नहीं रोक सकती। दुनिया उलट पुलट हो जाए, क्यों? मान लो हो जाए, तुम्हारी साइंस क्या कहती है? मेरी साइंस कहती है, तुम जिसे उलट पुलट कहते हो शेखर, उसी का नाम दुनिया है। दुनिया में कोई चीज हमेशा एक जगह खड़ी नहीं रहती, लेकिन इंसान का दिमाग कभी कभी एक ही जगह कर रुक जाता है। जैसे चलते हुए रिकॉर्ड पर कभी कोई सुई रुक जाती है, उस वक्त उससे संगीत नहीं निकलता है शेखर, सिर्फ शोर पैदा होता है। बंद करो ये शोर। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। मुंटू, तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं भाभी, सिर्फ किताबें। इस हाथ में नहीं, उस हाथ में। थोड़ा सा पोटेशियम साइनाइड। मुंटू, तुम्हें कितनी बार कहा है कॉलेज से ऐसी चीजें ना लाया करो? तुम्हें मालूम है कितना खतरनाक जहर है ये? मुंह को लगा नहीं कि आदमी खत्म हो जाता है। तुम क्या करते हो इनसे? मैं एक तजुर्बा कर रहा हूँ। कैसा तजुर्बा? सोना बनाने का। इस घर में सोने की कुछ कमी है? बड़ी कमी है भाभी, बड़ी कमी है। तुम्हें तो मालूम ही नहीं इस घर में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? पहले तो घर बिका, आज दफ्तर को ताला लग गया। मैंने तो बाहर से सुना है भैया का बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है। भाभी, तुम तो घर में रहती हो, तुमने कैसे नहीं सुना? उन्होंने सोचा शायद मैं सुनूंगी तो क्या कहूंगी। सोचा खाक होगा भाभी, भैया को आजकल किसी बात की परवाह नहीं रही। खुल्लम खुल्ला कहते मैं दिवाला निकाल दूंगा। उन्हें फिक्र है तो सिर्फ एक बात की, तुम कहां जाती हो, क्या करती हो। मुझे एक एक बात बतानी पड़ती है भाभी। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो जाके खुद पूछ लो भैया से। मुंटू, वो शीशी दे जाओ मुझे। नीला, तुम आज भी हॉस्पिटल नहीं जा रही हो क्या? क्यों, मेरा घर में रहना बुरा लगता है? बात यह है नीला, मुझे डॉक्टर चन्ना ने बुलाया है, कहा है कोई जरूरी काम है। तुम जानती हो क्या काम है? ये तो वही जाने जिन्होंने बुलाया है। हेलो शेखर, राइट इन टाइम। भाई, वक्त के मामले में तुम बिल्कुल अंग्रेज हो। बैठो। तुम्हें ताज्जुब तो हुआ होगा मैंने यहां तुम्हें क्यों अचानक बुलाया। दरअसल मैं तुमसे पूछना चाहता था शेखर, नीला ने कॉलेज को छोड़ दिया। नीला ने कॉलेज छोड़ दिया? मुझे तो यह भी नहीं मालूम डॉक्टर। अच्छा, मुझे नीला का खत मिला है, उसमें लिखा है कि कुछ मजबूरियां हैं। मैं तुमसे यही पूछना चाहता था, क्या मजबूरियां? मैं क्या बताऊं डॉक्टर, हो सकता है नीला को ख्याल आ गया हो कि अगर उसका दुनिया और जनता की तरफ कोई फर्ज है तो उसका घर में भी कोई धर्म है। ये धर्म का पाठ कहीं तुमने तो नहीं पढ़ा है उसे? ये कह के आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं डॉक्टर, मेरे पास फुर्सत ही कहां है। मैं आपको क्या बताऊं कि मैं कैसी मुसीबतों में फंसा हूं। बिजनेस है कि बंद हो रहा है, अब ऐसे में क्या सोचूं कि नीला कॉलेज आती है तो क्यों आती है और अगर नहीं आती तो क्यों नहीं आती। डॉक्टर साहब, क्या नीला ने आपको यह भी लिखा है कि मैंने उसे कॉलेज जाने से रोका है? तुम कैसी बातें कर रहे हो शेखर, वैसे तो नीला कभी घर की बात बाहर नहीं करती,
और अगर करती भी है तो हमेशा तुम्हारी तारीफ करती है, तुम्हारे गुण गाती है। लेकिन डॉक्टर आखिर मेरे समझ में नहीं आ रहा है आप मुझसे चाहते क्या है। तुम्हें इस तरह उबलते देखकर मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कहूँ। मैं सोच रहा था अगर तुम्हें कोई इतराज ना हो तो मैं नीला से कहूँ कि दोबारा कॉलेज ज्वाइन कर ले। डॉक्टर ना मुझे पहले कभी इतराज था ना अब है, आप जैसे चाहें कर सकते हैं। थैंक यू शेखर, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। मैं डॉक्टर चंद्रा से मिलकर आ रहा हूं। हॉस्पिटल जाना छोड़ा तुमने अपनी मर्जी से, लेकिन मुजरिम ठहरा गया मैं। क्या मैं अपना कसूर जान सकता हूं? जान के करोगे भी क्या, शायद दोबारा कसूर ना हो। आदमी एक बार गलती करता है लेकिन दूसरी बार समझ जाता है। नीला, नीला तुम मेरी पत्नी हो, हम दोनों अग्नि को साक्षी मानकर जीवन साथी बने हैं, लेकिन लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम साथी नहीं हैं बल्कि कैदी हैं जो एक ही हथकड़ी में जकड़े हुए हैं। तुमने मुझे साथी माना होता शेखर तो अपना दुख दर्द बांटते मुझसे, मुझसे अपना राज छुपाते नहीं फिरते। नीला मैंने तुमसे कौन से राज छुपाए हैं? तुमने तो मुझे यह भी नहीं बताया कि तुमने घर बेच दिया है, तुम पर कर्ज है बाजार के। बस यही, जिस चीज का सारे शहर में धंधोरा पिट रहा हो वो राज कैसा। और फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए इन चीजों की कीमत ही क्या है, मेरा घर, मेरा रुपया, मेरी जायदाद, मेरी जिंदगी। तुम्हारे पास मेरी जिंदगी की बड़ी कीमत है ना, पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद शेखर न रुपया होती है न जायदाद, न सोना होती है न चांदी। मैंने तो तुमसे ये सब कुछ नहीं मांगा शेखर, मांगा तो थोड़ा सा प्यार मांगा, जरा सा विश्वास। तुमने सब कुछ दिया है शेखर, विश्वास नहीं दिया। मैंने विश्वास कब नहीं किया तुम्हारा? इसीलिए शायद मुंटू को भेजते थे मेरे पीछे। मुंटू ने तुम्हें फेंकाया है। शेखर, ये पति पत्नी का मामला है, तुम्हारा और मेरा मुकदमा। इसमें जरूरी नहीं कि एक बच्चे को अंगारों पर घसीटा जाए। तुम जाना चाहते हो बेशक जाओ, लेकिन मोंटू को एक लफ्ज भी कहा तो एक मिनट में इस घर में नहीं रहूंगी। अरे इस तरह शॉल ओढ़ के बैठे हो, क्या हुआ? दिमाग की खराबी। वो तो पुरानी बीमारी है। तुम अपनी सुनाओ नीला, मियाँ बीवी की नोकझोंक खत्म हुई है? नहीं। तुमने किससे सुना? किसी से नहीं, तुम्हारे चेहरे पे लिखा था, हमने पढ़ लिया। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं नीला, मियाँ बीवी के झगड़े ज्यादा देर तक नहीं रहते, और फिर ये छोटी मोटी चोंचे तो जिंदगी का मजा और बढ़ा देती है, है ना नीला? आप लोग जो कुछ मांग रहे हैं वो डाका, दिन दहाड़े का डाका। हम वक्त दे सकते हैं, शेखर साहब दोबारा सोच लें। दलदल में धसा हुआ फंसा हुआ हाथी क्या सोचेगा, बैंक 6% सूद लेती है, आप लोग 30% मांग रहे हैं, ये कोई इंसाफ है? हम हाथी को दलदल से निकाल रहे हैं और निकालने वाला खुद फंस सकता है, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो घनश्याम। जानता हूं, आप लोग ढंग का काम कर रहे हैं। चलो भाई बहस बंद करो, हमने अपनी शर्तें सामने रख दी हैं, अब अगला मोहराज शिखर साहब को चल रहा है। चलो भाई ठहरिए, मुझे आप लोगों की शर्तें मंजूर हैं। लेकिन शेखर बाबू आपको नहीं मालूम ये लोग क्या चाहते हैं? मुझे मालूम है, ये लोग चाहते हैं एक ही झटके में मेरा काम खत्म हो जाए, शायद मैं भी यही चाहता हूं। आप लोग ठहरिए, मैं कागजात लेके आता हूं। मां उस दिन कुछ कागजात दिए थे मैंने रखने के लिए। कौन से कागजात? वही बात जो मैंने कहा था कि जरूरी है। वो तो मैंने नीला को सौंप दिए, उसने मेरे सामने अलमारी में रखी। माँ मैंने जब कागजात तुम्हें दिए थे तो नीला को देने की क्या जरूरत थी, अब नीला घर में नहीं है। तो क्या हुआ, चाबियां तो वो मुझे दे गई हैं। ले जाओ।
लीजिए साहब, ये रहे मेरे सारे कागजात, मेरे बैंक के अकाउंट, मेरे सीमेंट के, स्टील के, हर चीज के शेयर। आज से सब कुछ आपके हो गए। घनश्याम, मेरे अजीजों के साथ जाओ और लॉयर से मिलकर मसवदे तैयार करवा लो। क्या बताऊं मैं किस नट में पड़ी हूँ। घर के लोग मुझे एक बोझ समझते हैं जिसे न तो वो उठा सकते हैं न उतार के फेंक सकते हैं। मैं दिन रात अंगारों पे लौटती हूँ और सोचती हूँ कब वो दिन आएगा जब तुम इस कैद खाने से, इस पागल खाने से मुझे आजादी दिलवाओगे। तुमने कभी तो मुझसे प्यार किया था, प्यार की कस्में भी खाई थी। उन कस्मों की कसम अब देर ना करो वरना बहुत देर हो जाएगी। कहाँ जा रहे हो? मैं कहाँ जा रहा हूँ? अविनाश के घर। लेकिन लेकिन ये रास्ता तो वहाँ नहीं जाता। यही तो सीधा रास्ता है। तो वहाँ मका गलत रास्ते से जाती थी। शेखर, शेखर, ये तुम क्या कर रहे हो? डर गई? तुम्हें अभी मालूम होगा नीला, जिंदगी कितना लंबा चक्कर है और मौत कितना सीधा रास्ता है वहां पहुंचने का। अविनाश के घर। तुम हंस रहे हो अविनाश? मेरी तो जान पे बनी हुई है। शेखर को बिजनेस में जो घाटे पड़े हैं वो उसका बदला घर वालों से लेना चाहता है या मुझसे। मैंने बहुत कुछ सहा है अविनाश और बर्दाश्त नहीं होता। नीला, अंग्रेजी में कहावत है, जब जहाज डूबने लगता है तो चूहे भाग निकलते हैं। चाहो तो तुम भी ऐसा ही कर सकती हो। शेखर बाबू का जहाज तो डूब ही रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है अविनाश, तुम्हें दूसरों के दुख में बड़ा सुख मिलता है। खास करके तुम्हारे दुख में, है ना? नहीं नीला, नहीं,
इस वक्त मैं तुम्हारे बारे में भी नहीं सोच रहा, शेखर के बारे में सोच रहा हूं। आज पहली बार हालात ने उसे वहां लाकर खड़ा कर दिया है जहां उसे प्यार की जरूरत है, साथी की जरूरत है। नीला, तुम्हें सब कुछ छोड़कर, सब कुछ बुलाकर शेखर को अपनाना चाहिए। कैसे? तुम्हें मालूम नहीं, जब देश में अकाल पड़ता है तो लोग यज्ञ करते हैं और यज्ञ में आहुति डालते हैं। आज तुम्हें भी आहुति डालनी है, अपने अभिमान की, अपने गर्व की, अपने गरूर की। अपने पति को बचाने के लिए नीला, तुम्हें अपनी हस्ती मिटानी होगी। मिटा सकोगी? मुझसे पहेलियां नहीं बुझी जाती। पहेली? पहेली तो तुमने खुद बना ली अपनी जिंदगी। न तुमने शेखर को समझने की कोशिश की, न उसे समझने का मौका दिया। अविनाश, तुम नहीं जानते शेखर ने मेरे साथ क्या किया। उसने मुझ पर शक किया है, उसने तुम पर शक किया है। उसने मुन्नी जैसे मासूम को जासूसी जैसी गंदी बातें सिखा दी। उसे हर बात की रिपोर्ट चाहिए थी। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, किससे मिलती हूँ। शेखर को जब तुम्हारे दिल में जगह न मिली तो उसने तुम्हें बाहर जाके ढूंढा। वो जासूसी नहीं थी नीला, उसका प्यार था जो साए की तरह तुम्हारा पीछा कर रहा था। आदमी जब प्यार करता है तो ये सब कुछ करता है। उसे बचाने के लिए बाड़े लगाता है, गुलेले चलाता है। शेखर ने तुमसे प्यार किया था, वो तुम्हें बचाना चाहता था दुनिया से, मुझसे और तुम्हें अपने आप से। नमस्ते अविनाश भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते। आओ, कहिए तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आओ बैठो। नहीं नहीं मोंटू, बैठने की कोई जरूरत नहीं, चलते हैं। इसीलिए तो आया हूँ भाभी, घर में भैया तो जैसे पागल हो रहे हैं। चलो। अच्छा भाई साहब, दवा कैसे? वही जो तुमने नुस्खा लिख के दिया था। आज फिर दर्द हुआ है क्या? हो रहा है। दवा पी या नहीं? तुम्हारा इंतजार कर रहा था नीला। से ब्याह कर लो नीला। मुझे मालूम नहीं था तुम इतना गिर सकते हो, तुम इतने छोटे आदमी हो।
मैं छोटा था नहीं नीला, छोटा हो गया हूं। इतना छोटा कि मैं अपने आप को भी देख नहीं सकता। मैं इतना गिर गया हूं कि ना खुद उठ सकता हूं ना कोई मुझे उठा सा है। मेरी जिंदगी अजीब हो गई है, खुद मेरे लिए बोझ और तुम्हारे लिए जंजीर। तुम्हें आजादी चाहिए। दुनिया में हर इंसान को आजादी चाहिए, तुम्हें भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तुम्हें आजादी चाहिए मुझसे, मुझे अपने आप से। तुम पागल हो गए हो नीला। पागलपन तो अभी शुरू हुआ है। दीवानों की दीवानगी तुमने देखी ही कहां है। उस दिन मंटू मिट्टी को सोना बनाने के तजुर्बे कर रहा था ना, आज भी तुम्हें दिखाता हूं नीला, ये मिट्टी किस तरह सोना बनती है। किसी को ये नहीं बताना नीला कि एक दवा तुमने मुझे दी है, वरना लोग तुम्हें माफ नहीं करेंगे नीला। शेखर! It's a cold-blooded, deliberate and preposterous murder, Your Honor. It's a murder pre-planned and premeditated. ये खून है जनाब, एक पत्नी के हाथों पति का खून। पत्नी गरीब आर्टिस्ट का विनाश से प्यार करती थी, एक अमीर मर्द आप अविनाश को मकान पर कब गए? खून होने के तकरीबन एक घंटे बाद। आपको अविनाश वहां मिला? जी नहीं, लगता है खून होने के फौरन बाद वो कहीं भाग गए थे। क्यों खास तौर पर लाश की पेंट पर निकल थी, उससे मैंने ये अंदाजा। ये शादी आपकी मर्जी से हुई थी? जी नहीं। शादी के बाद दोनों में आपस में ताल्लुकात कैसे थे? ऐसी तो कोई खास बात नहीं थी, लेकिन कभी कभी अनबन हो जाया करती थी। मान लिया जाए कि मुलजिमा के लिए शेखर बाबू से छुटकारा पाना नहायत जरूरी हो जाता, तो आपके ख्याल में क्या वो दवा में जहर मिलाने की हिम्मत कर सकती थी? क्यों नहीं? आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि पोटेशियम साइनाइड ऐसा खतरनाक जहर वो दवा में मिलाने की हिम्मत कर सकती थी? जी हाँ, अगर ऐसा मौका आ जाए तो नीला ये जहर खुद पी सकती है, लेकिन अपने हाथों से ये जहर किसी और को नहीं पिला सकती। हेलो, ये क्या चेहरे उतरे हुए कैसे, आंखों में उदासी क्यों? अब तो बादल फट गए हैं, अंधेरे काले निकाब उलट कर रोशनी बाहर निकल आई है। लीजिए, मैं शायरी करने लगा। मैं आपसे कहना चाहता था, अगर आप इजाजत दें तो इसे साथ ले जाऊं। कहाँ डॉक्टर साहब? है एक जगह जो नीला के लिए भी तीर्थ है और मेरे लिए भी। नीला, अगर तुम्हारे मन को कहीं भी शांति मिल सकती है तो सिर्फ वहीं। वहां एक दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। चल। हाँ जाओ बेटी। उन लोगों को देखो नीला, ये लोग भगवान को मानते हैं, तकदीर को मानते हैं, लेकिन इस वक्त भगवान और तकदीर दोनों से ज्यादा इन्हें मुझ पर विश्वास है, तुम पर विश्वास है। ये समझते हैं कि हम इनकी तकदीर लिख भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं। लेकिन मैं अपनी तकदीर कैसे बदलूं? मेरे माथे पर जो झूठा कलंक लगा है उसे मैं कैसे पोछूं? नीला, जिसे तुम कलंक समझती हो वो तुम्हारे लिए एक नसीहत है, एक सबक है। मेरी तरफ देखो, मेरी कहानी सुन लो, शायद तुम्हारे दिल को तसल्ली हो।
मैं आज तक भूल नहीं सका उस लड़की को, बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, यही उम्र यही रूप, ऐसा ही हमदर्दी से भरा हुआ दिल। जब वो ऑपरेशन थिएटर में लाई गई तो उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, वो मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसे मुझ पर विश्वास था। अचानक ऑपरेशन के दरमियान मैं घबरा गया, मेरे हाथ कांप उठे कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, और गलती हो गई। ऑपरेशन थिएटर से वो जिंदा नहीं लौटी। जानते हो नीला वो कौन थी? मेरी अपनी इकलौती बेटी। उस दिन मैं भी तुम्हारी तरह विश्वास खो बैठा, तुम्हारी तरह रो रहा था, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि अपने आंसू सुखाने का एक ही तरीका है, अपने आंसू भूलकर दूसरों के आंसू पोंछो। इसीलिए मैंने कहा था तुम्हारा मंदिर भी यही है, तीर्थ भी यही, और तुम्हें जीना है उन लोगों के साथ। अरे मुंटू तुम कब आए? आओ आओ बैठो बैठो। भाभी तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? अविनाश भैया वापस आ गए हैं, वो बहुत बीमार है भाभी। वो बीमार कब नहीं थे, फिर भी तुम आए हो, इसलिए किसी न किसी डॉक्टर को भेजने का इंतजाम कर देती हूँ। मैं तुम्हें डॉक्टर के रिश्ते से बुलाने नहीं आया भाभी। फिर कौन से रिश्ते से आए हो? किस रिश्ते से? मोंटू मोंटू तुम आज नहीं समझ सकोगे, शायद कल समझ जाओगे। आज से तुम मुझे भाभी मत कहना। सर आप? हाँ नीला, तुमने मुंटू को जवाब दिया वो मेरे लिए काफी नहीं। नीला हमने सोच लिया कि अविनाश भाग गया है, उस मुकदमे से भाग गया है, अपनी बुजदिली से भाग गया है, लेकिन तुमने ही कैसे सोचा? दरअसल वो भाग नहीं गया था, यहां से चला गया था। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे और शेखर के बीच में दीवार नहीं बनना चाहता था, और वो वापस इसलिए आया है नीला कि वो मर के बता देना चाहता है जिंदगी क्या होती है। कहाँ है अविनाश? यहीं इसी अस्पताल में। यहीं इसी अस्पताल में? रूम नंबर 4। डॉक्टर रूम नंबर 13 में आपकी मदद करना चाहता हूँ। डॉक्टर शर्मा को बुला लो, तबीयत बहुत खराब है। नीला तुम्हें अपने मरीज के पास जाना चाहिए, अविनाश के साथ मैं रहता हूँ, जाओ। Thank you.
अविनाश भैया, अविनाश भैया, अविनाश भैया, नीला भाभी अभी आ रही है, अविनाश भैया, अविनाश भैया, नीला भाभी अभी अभी आ रही है, अविनाश भैया, अविनाश भैया, अविनाश भैया, अविनाश भैया, इट्स ऑल राइट नाउ, फिर भी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं रूम नंबर 4 में हूँ। मुंटू? हाँ मैं सारा रास्ता दौड़ते दौड़ते भागते भागते आया हूँ, इसलिए कि एक खबर पहली बार तुम्हें मैं सुनाऊं। अविनाश भैया मर गए। नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन फिर भी यही कहूंगा कि अविनाश भैया का खून तुमने किया है। हेलो, हाँ आ रही हूँ, आ रही हूँ। प्यारी भाभी, तुमने मना किया था मगर फिर भी तुम्हें भाभी लिख रहा हूँ। तुम्हारे लिए दूसरा कोई शब्द नहीं आता जबान पर। भैया तो सभी रिश्ते तोड़ कर चले गए लेकिन मैं जीते जी तुमसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकता। मैं ये खत तुम्हें जहाज से लिख रहा हूँ। ये जहाज मुझे हिंदुस्तान से दूर ले जा रहा है, लेकिन एक बात याद रखना भाभी, मैं हिंदुस्तान से दूर जा सकता हूँ, तुमसे दूर नहीं। मैं जहाँ भी हूँगा मुझे यकीन है तुम्हारी कामयाबी और शोहरत की खबरें मुझे पहुँचती रहेंगी। तुमने कुर्बानी की जो मशाल अपने दिल का खून देकर जलाई है वो हमेशा मेरे सामने रहेगी। बहुत बहुत नमस्ते, तुम्हारा मोंटू। सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं।